नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। श्रावस्ती से बड़ी खबर, गुमशुदा महिला की मिली लाश, परिजनों में मचा कोहराम। जी हां, जनपद श्रावस्ती पूरा मामला थाना क्षेत्र महलीपुर पुलिस चौकी जमनाहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरगदहा मजरा टेपरी का है, जहां पर एक महिला की शांति देवी पत्नी सुंदरलाल वर्मा तकरीबन 60 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बरदगहा मजरा टिपरी आज से 3 दिन पूर्व 12/9/2021 को अपने घर से पशु के लिए चारा काटने राप्ती नदी के कचार में बसा रामपुर गोझा के पास इंडो नेपाल बॉर्डर के पास गई हुई थी और घर वापसी न आने पर जिसकी तलाश परिजनों कर रहे थे और इसकी सूचना पुलिस ने चौकी जमनाहा को दी गई तो मौके पर जिसकी तलाश पुलिस भी कर रही थी, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद पशु चरवाहे के माध्यम से पता चला कि किसी अज्ञात महिला की लाश इंडो नेपाल बॉर्डर के पास धान के खेत में मेल पर पड़ी हुई है, जिसकी लाश को जंगली जानवरों ने नोच कर खा लिया। जिसकी सूचना पूर्व प्रधान प्रतिनिधि बरदहा ने थाना मल्लीपुर सूचना दी तथा मौके पर पहुंचे पुलिस टीम भारी मशक्कत करने के बाद रात्रि तकरीबन 8 बजे शिव को खोज कर करने पर धान के खेत मेल पर पाया और शिव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मौके पर मौजूद सीओ जमनाहा प्रभारी निरीक्षक थाना मल्लीपुर ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट भुजो अहमद के साथ। किसने बताया आपको, कैसे जानकारी मिली? उनका घर प्रधान बताएंगे। अच्छा, तो पहले से कुछ बीमार थे क्या आपकी माता जी? पहले उनका बीपी रहा। अच्छा, कहीं भी दिमाग में जन्म आ जाता है। अच्छा अच्छा, तो उनसे बेहतर घर की करना जाओ, घर की उन्होंने हालत ली थी। अच्छा, बच्चा रखे अपने खाते लाके। अच्छा, तो बहन ना उनका घास ठीक लागे थे काटा, तो घास काटने गई थी वो। हाँ, लड़के का मैं ना चलाई फोन करो रोकते ही हसिया जोड़ा थी घूमर की नहीं गई कायम तो बतावे लागे तो मेरा जोड़ा ला तो शायद नहीं पावा। मतलब काफी खोजबीन किया, पता नहीं चला कहीं? नहीं चला सर। आज पता चला है कि वहाँ उनकी लाश मिली है। अभी आपने देखा तो नहीं है? अभी नहीं देखा। ठीक। अच्छा, यहाँ मौके पर कौन कौन लोग आए हैं? मौके पर हमारे यहाँ इनके भाई आए हैं। अच्छा, यहाँ भाई से